प्यारे बच्चों, आज हम कक्कू नाम की कविता को पढ़ेंगे। इसमें कक्कू नाम के बच्चे के बारे में बताया गया है। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। जैसा कि कवि ने लिखा है कि कोयल को कक्कू बुलाया जाता है, लेकिन इस पोयम में जो कक्कू नाम का लड़का है वो इस नाम के ठीक उल्टा है। वह बच्चा दिन भर रोता रहता है, इसलिए उसको लोग चिढ़ाते हैं और कहते हैं सक्कू, क्योंकि ये माना जाता है अगर बच्चा अपने नाम के अनुसार काम ना करे तो उसको दूसरा भी नाम लोग दे देते हैं। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली। कवि बार बार यह बताना चाहता है कि कोयल बहुत मीठी होती है, और कोयल के नाम से ही यह दिमाग में सबके आता है कि कोयल बहुत सुंदर गाती है, और जब इस बच्चे का नाम कक्कू है तो इससे यही उम्मीद की जाती है कि इसकी आवाज जो है कोयल की जैसी मीठी हो, लेकिन इससे थोड़ी सी भी बात करने पे यह बच्चा भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, इससे थोड़ा भी हंसी वगैरह नहीं आती है, इसे थोड़ा भी हंसाने का प्रयास किया जाए तो ये नहीं हंसता है। इसलिए तो कभी कभी हम इसको कहते भक्कू, नाम है इसका कक्कू। इसलिए भड़काऊ होने की वजह से इस बच्चे को भक्कू नाम से भी इस कविता में संबोधित किया गया है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना इस जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ा लू को अब से, क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है इसका कक्कू। इस कविता में इसके गुणों को जो अवगुण के रूप में कवि ने दिखाया है, और आप लोगों को ये सीख दी है कि इस तरह का स्वभाव आपको आपका नहीं होना चाहिए। कक्कू चूंकि कोयल का नाम है जो हमेशा गाना गाती रहती है और अपने गाने से सबके मन को खुश करती है, लेकिन जो कक्कू नाम का इसमें बच्चा है वह ठीक उसके उल्टा है। वह बार बार चिढ़ जाता है और सबकी छोटी छोटी बातों पे वह मुंह फुला लेता है। गाना नाम की चीज जो कोयल हमेशा गाना गाती रहती है वो उसको बिल्कुल नहीं आता है, और छोटी छोटी बातों में सबसे झगड़ा कर लेता है। इसलिए इस कविता में उसको झक्कू नाम से भी संबोधित किया गया है, और उसका नाम वाकई में तो कक्कू है। इस प्रकार से यह कविता आपको यह बताती है कि आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। आपको मीठे स्वभाव का होना चाहिए, आपको छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना नहीं चाहिए, किसी की छोटी भी बात को नजरअंदाज करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे भड़कना नहीं चाहिए, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे स्वभाव से आपको झगड़ालू, बक्कू और सक्कू नाम से कोई संबोधित ना कर सके, और आपको लोग अच्छा बच्चा कहें। धन्यवाद।